जिया जिया मामी जिया हेलो गाइस, मैं हूं कामनी और स्वागत है आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल कामनी सिंह पे। तो ये रहा छठियार का सेकंड पार्ट और इस ब्लॉग को आप लोग काफ़ी एंजॉय करने वाले हो। और यहां पे मैं और नानी जी कुछ बातें कर रहे थे बट साउंड क्लियर नहीं थी इसलिए मैंने साउंड को म्यूट कर दिया। मम्मी ने मुझे बोला था कि कच्चा दूध लेके आने के लिए, तो वही मैं ये लेके जा रही थी कटोरी में। एक्चुअली छठियार में ऐसा होता है कि जो छोटा दिया होता है उसमें भर के रखते हैं दूध और बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। और ये काजल है जो कि लेके जा रही थी, बेबी के जो बुआ हैं वो लोग सेकती हैं इसे, रस्म होता है हमारे में। एक किसको? मामा जी को? इनको भी मामा जी को भेज देती हूँ। वो जल्दी चलो अनु, वो चलो जल्दी, काजल सेकना है। चलो चलो जल्दी चलो। पूजा रसम कैसे है? नहीं, आपको बुला रहे, कुछ काम करना, ठीक है? आपका रसम खत्म हो गया, ठीक है? मामी जी चली, हम एलवन दिया ले। क्या होता है?
कहीं लड़का संगे तारू ना हम लोग वीडियो बंद कर देते हैं दोनों दोनों का वीडियो बंद कर जैसा कि आप लोगों को पता होगा हमारे साइड में बिहार साइड में ऐसा होता है कि जिस दिन छठियार होता है बेबी का उस दिन तेल सिंदूर जो होता है वो ज़रूर दिया जाता है, सबको लगाया जाता है। तो वही काम मुझे मिला हुआ था सबको लगाने का, तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। इसको बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। बाकी उसी में और भी सारे काम भी साइड में हो ही रहे थे। बाकी आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा।
और पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो ब्लॉग है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिले और फटाफट से आप लोग ब्लॉग देखें। और हाँ, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। आप लोग को बहुत सारे कमेंट आए कि मेरा 100K हो जाए, 1 मिलियन हो जाए, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके, कमेंट्स आप लोगों को पढ़ के मुझे ऐसा अपनापन फील होता है, ऐसा लगता है कि आप मेरी फैमिली मेम्बर हो। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी कि मैं आप लोगों कमेंट का आजकल रिप्लाई नहीं कर पा रही, कुछ लाइक नहीं कर पा रही, बट अब इस ब्लॉग से फिर से मैं कोशिश करूँगी। थोड़ी सी बिजी होने की वजह से नहीं कर पा रही थी कि मैं आप लोगों कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर सकूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बेटी बेटी देख लीजिए, पापा गए मेरी धन बेटी के, पापा गए और मिले तो हम आप आ रहे थे मम्मा अच्छे से खुशी के बारे में। ओहो नानू ने बोले नानू मेरे को देख के रो रहे, उसको देख के रो रहे नानू। देख रहा है ना, देख के बात करिए। देख लो बेटा, हो गए नानी बारी, देखा तेरी होते यहाँ। मेरी मम्मी का वीडियो कॉल आया हुआ था, वो नहीं आ पाई थी, सो वीडियो कॉल में वो देखना चाह रही थी बेबी को, तो मम्मी को वो देख रही थी, सो वही मम्मी को दिखा रही थी। आवाज धीरे ना लगे मम्मी। यहाँ मेरी ये मम्मी सासू में मेरी मम्मी शिकायत कर रही है कि वो नहीं आई थी, उसी की शिकायत हो रही है। अब बाद में बात करना ठीक है। मेरा फोन पर्स में, जाओ पापा का फोन दे। खबरों नहीं के बता के लोगों ने।